In this video, I will discuss how to prevent cancer from happening again. Post cancer people have poor digestion, poor immunity and fatigue. Handling these issues will help stay free of cancer. Listen to the discussion with the cancer survivor to know what are the conditions which a cancer survivor goes through. For updates from the cancer patient, please check the description to this video. Hello. Hello, is this Mr. Rajinder? Yes. Yeah, hi Rajinder. Actually, hi. Do you remember me? I spoke to you almost 1 month back regarding my mom. I'm from Bangalore. Cancer. She is an ovarian cancer patient, and I mean now she is in remission. Regarding her burping, I hope you remember, right? Yeah. So Rajinder ji, actually, हम लोग ये protocol मतलब मम्मी तो protocol follow करने की कोशिश कर रही थी. अभी 1 month हुआ है, almost 28 को mom ने start किया था, तो आज तो 29 है, almost 1 month. तो मतलब improvement तो है, थोड़ा बहुत improvement है. But then जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, उनको acidity तो नहीं है, मतलब वो जो heartburn. हाँ, बस उनको burping है. तो burping लेकिन अभी भी होता है. मतलब अभी भी बर्पिंग उनका है. मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन में तो उतना बड़ा नहीं है पहले जैसे, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बर्पिंग होता था, मतलब बड़ा धक्का रहता था. लेकिन अभी वो वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, वो बिल्कुल तीनों टाइम, मतलब 1 month से एकदम डेली तीन बारी कर रहे हैं वो डेली. हाँ, डेली सुबह दोपहर को और शाम वो एक घंटा करके वॉक एंड रेस्ट करते हैं. वही 5 मिनट सोना, 5 मिनट चलना और 5 मिनट सोना. कुछ एनर्जी में, कुछ सोने में, किस एरिया में फर्क पड़ा है? एनर्जी तो एक्चुअली उनका शुरू से है, मतलब एनर्जी को लेके तो उनका कभी कंप्लेन था ही नहीं. एनर्जी तो उनका बहुत ही है और वो अभी भी है. देखिए, दो तीन चीजें होती हैं. एक होता है कि जब एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, एक तो होता है कि अपना काम करना है, काम कर रहे हैं. एक होता है व्हेन यू आर सरप्लस एनर्जी, देन आप खुश भी रहते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, बातचीत करने से छलकता है, बहुत खुश है. हाँ, वो सब बारे में तो बहुत खुश है. बातें बातें करना, इधर उधर घूमने जाना, मतलब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है सच. बस कभी कभी मतलब जो उनका पॉटी होता है सुबह, वो कभी कभी उतना क्लियर नहीं होता है. कभी कभी, डेली नहीं, ऑलमोस्ट डेली तो क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी उतना क्लियर नहीं होता है. वो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट 3 दिन का होता है. ओके. तो अगर किसी दिन, जैसे हफ्ते में 3 दिन भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके. वो अपने आप, मतलब अगर 7 दिन में 3 बारी ठीक से नहीं आया या नहीं भी आया, जो WHO डिफाइन करता है कॉन्स्टिपेशन को, वो है कि हफ्ते में 2 बार भी नहीं मोशन पास होता. अच्छा, ओके. तो इट वो जो हमारा एक कंसेप्ट है ना कि डेली 1 बार या 2 बार ही होना चाहिए पेट साफ, वो इतना ज्यादा ठीक नहीं है. अगर किसी दिन मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी नहीं है, या आपने कहीं और एग्जर्ट कर दिया, आप थके हुए हैं, तो हो जाता है कभी कभी. ओवर एग्जर्शन की वजह से भी हो जाता है कॉन्स्टिपेशन इस एज में. ओके. जैसे कहीं घूमने चले गए. हाँ, सॉरी. नहीं, हाँ, वही आपने सही बोला. तो वही उनका मतलब कॉन्स्टिपेशन तो उतना है नहीं, डेली होता है, बट कभी कभी सपोज ऐसा फील होता है कि उतना क्लियर नहीं हुआ है. वीक में 2 दिन ही मैक्स ऐसा होगा, नहीं तो उनका 4-5 दिन तो क्लियर ही होता है. ठीक है, फिर प्रॉब्लम यही है कि उनका डकार भी आप कह रहे थोड़ा सा कम हुआ है ना पहले से. हाँ, मतलब पहले जैसे एकदम बड़ा बड़ा उनका, मतलब होता है ना बड़ा बड़ा ढक्कर एकदम, वो नहीं है. अभी थोड़ा छोटा है, उससे छोटा हुआ है, और लेकिन है. और कभी कभी जैसे 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि मेरा लंच तक कुछ ढकार आया ही नहीं है, फिर लंच के बाद आया है, और डिनर के टाइम में भी आया है. Okay. और जब मेनली जब खाना खाती है तब आता है, पानी पीती है तब आता है, और जब वॉक एंड रेस्ट करती है तभी भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है 2-3. एक चीज तो बताइए, उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने दिन में वो 1 बार चाय लेती है. एक तो इंडाइजेशन का कारण चाय होती है. ओके, ओके. चाय हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है. वो दिन में 1 बार के लिए भी कम मतलब है क्या?
हाँ, वो जितनी बार भी आप लेंगे, आप एक बार भी चाय पियेंगे तो भी वो बहुत दिनों के लिए डिस्टरबेंस करता है। ओके ओके। तो एक तो चाय बंद करने से बर्पिंग और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि बर्पिंग होती है जब आपको इनडाइजेशन होता है, आपका पूरी तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होता। दैट्स वन। सेकेंड जो है, जैसे आप ठीक से खाना नहीं खाओ, पूरा भरपेट करके खाना नहीं खाओ, तो okay. अगर आप भरपेट खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा कम खाते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे आपको अच्छा नहीं लगा कुछ चीज, स्वाद नहीं लगा, तो ज्यादा नहीं खाते ना। Right. तो उसमें जितना काम चला हुआ है आपने, जैसे नॉर्मली आप 3 या 4 रोटी खाते हैं, तो जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा 2 खा लेंगे, जब आप 2 खाएंगे तो आपका स्टमक एसिड उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, आपको इनडाइजेशन होगा कम खाने से। ओके ओके। तो दैट कुड बी अनदर फैक्टर। थर्ड फैक्टर, तो वो खाती है अच्छे से, पर कम ज्यादा तो होता होगा ना, कम ज्यादा होता होगा, कभी फ्रूट्स खा लिए। हाँ, फ्रूट्स भी आज वो खा ही रही थी, फ्रूट्स भी कभी कभी खाती है। हाँ, तो उन सब चीजों से डिफरेंस आता है थोड़ा सा। चौथा चीज क्या होता है कि मान लीजिए दाल ज्यादा खाया, प्रोटीन ज्यादा खाया, तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट करना इस एज में इजी नहीं होता, तो जब आप एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो उससे भी आपके गैस ज्यादा बनती है। अच्छा ओके। नहीं, वो एक्चुअली सब्जी ज्यादा खाती है। सब्जी में भी फिर वही प्रॉब्लम आता है कि अगर बहुत ज्यादा सब्जी खाते हैं तो सब्जी में फ्लूइड अमाउंट ज्यादा होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड्स नहीं चाहिए। एक्चुअली राजेंद्र जी, एक आपसे क्लियर करना था कि उनका जो फ्लूइड इंटेक है ना, वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही है। एक्चुअली मतलब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ फ्लूइड इंटेक लेके, क्योंकि आप जैसे बोलते हो ना कि वो हमको, मतलब हमको ही वो डिसाइड करना है कि कभी कम कभी ज्यादा करना है, मतलब वो इतनी मम्मी को तो इतना पता नहीं है ना, मतलब मम्मी को अगर मैं इतना समझाऊ भी तो वो इतनी समझती नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं उनको बताऊंगी तो मतलब वो जैसे जूस लेती है, मैंने उनको मना किया था आप जूस मत लो, तो वो 2 हफ्ते तक नहीं ली थी, लेकिन लास्ट 2 वीक से वो सुबह जूस लेती है जो उनका जो मतलब डाइट में था, मतलब जैसे 1 ग्लास कैरेट जूस और 1 ग्लास वेजिटेबल जूस, ऐसे ही एक ग्रीन जूस, तो ये तो वो लेती है। इसके अलावा आपने जैसे बोला था कि मील्स के साथ, तो मील्स के साथ वो 1-1 ग्लास लेती है, और मैंने उनको बोला था कि सैटरडे संडे करके आप 2-2 ग्लास करके पी लो, मतलब सैटरडे संडे 2 लीटर पी लो, लेकिन वो अभी बोल रही थी 2 लीटर तो बहुत ज्यादा है उनके लिए। हाँ, मतलब आप अगर उनका फ्लूइड इंटेक एग्जैक्टली मुझे बता सकते तो मतलब वो अच्छा होता थोड़ा। उनका डेली का मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट कितना है, चलना कितना हो जाता है, वॉकिंग? उनका वॉक एंड रेस्ट तो 3 घंटा होता है, ये तो नहीं, वॉकिंग उसके अलावा, उसके अलावा वो रूफ में मतलब टेरेस में जाते, हमारा नीचे उतना एरिया नहीं है, टेरेस में जाके वो शाम के टाइम में 30 मिनट ऐसा थोड़ा चल लेती है, और सुबह में उनका कुछ कुछ एक्सरसाइज रहता है, मतलब वो ऐसे ही कुछ कुछ एक्सरसाइज, सूर्य प्रणाम, योगा, ये सब करती रहती है, ये है। और थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना शाम के टाइम में, ठीक तो है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, खाने के साथ 1 गिलास पानी, और पूरे दिन में 3 गिलास पानी, और वो जो हफ्ते में 2 लीटर है उसको 2 लीटर करने की जगह सिर्फ थोड़ा सा पानी बढ़ाना है, 1 या 2 गिलास, मैक्सिमम 5 ग्लासेस, विच इज अबाउट 1.2-1.3 लीटर्स ओनली। वन मिनट, आपने पहले बोला कि नॉर्मली मतलब खाने के साथ 3 ग्लास और खाने के अलावा 3 ग्लास, ये नहीं, 6 ग्लास, हाँ वो 6 ग्लास को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ खाने के साथ 3 ग्लास, बल्कि 3 का भी अगर रोटी कम खा रहे हैं तो 2 ग्लास पर आ जाइए, कि 2/3, 2/3, 2/3 करके 3 बार दे दीजिए। ओके, ठीक है, विद मील्स। हाँ, विद मील्स। इसके अलावा ज्यादा पानी पीने का जरूरत नहीं होता इस एज में। ये मंडे टू संडे की बात कर रहे हो आप, मतलब पूरा ये 7 दिन की बात कर रहे हो आप? अगर आप 7 दिन में 2 दिन के लिए पानी बढ़ाना चाहते हैं, 2 लीटर मत करिए उनके लिए, इट कुड बी 1.2 के आसपास। 1.2, हाँ, 200 ml का उनका ग्लास रखिए। वो एक बारी में कितनी रोटी खाते हैं? सुबह रोटी बस सुबह ही खाती है, दोनों टाइम चावल, तो सुबह वो 3 रोटी खाती है। हाँ, तो 3 रोटी के साथ में 200-250 ml सफिशियंट है पानी। 250 ml, ओके। हाँ, मैक्सिमम 250 ml, तो वो पानी काफी है, और दिन में 750 ml पानी हो गया,
कभी कभी उसको 1.25 कर लीजिए। सैटरडे संडे दो बार ही मत करिए, एक एक दिन करिए। कि जैसे मंडे टू वेंसडे आपका सिर्फ 3 ग्लास हो गया, थर्सडे को आपने 1.25 कर दिया, फिर फ्राइडे सैटरडे लाइक 3 दिन और 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे को फिर आपने 3 ग्लास कर दिया खाने के साथ सिर्फ, और संडे को फिर दोबारा से 1.25 कर दिया। 2 लीटर्स मत लेके जाइए उनका। चाय का एक तो बंद कराने की कोशिश करिए, और फ्रूट जूसेस का जो है वो एक एक ग्लास करके अगर एक दिन में 2 लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसको रिप्लेस करिए खाने के साथ में, जो पानी पीना है उसके साथ रिप्लेस करिए अगर लेते हैं तो। अच्छा, तो आप बोलो कि वो तब ना लेके वो खाने के साथ ये जूस लेने के लिए। हाँ, खाने के साथ ले लें, पर खाने के साथ लेने से भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई डोंट नो अब एग्जैक्टली कैसे करें उसको, क्योंकि मैं आपको एक और दूसरा चीज बताऊं, आप उसको टेस्ट कर पाएंगे? हाँ हाँ जरूर, आप बताइए ना। देखिए, मैं कुछ दिन पहले कहीं पढ़ रहा था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो करीब 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। अच्छा, ओके। उसका जो डॉक्टर्स और बाकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता। वो मेटाबॉलिक रेट के बारे में बोलते हैं, क्योंकि खाना खाते हुए हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम काफी एनर्जी प्रोड्यूस कंज्यूम करता है। पर मेरा मानना यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो स्टमक एसिड बनता है वो 1.5 से लेकर 2.5 पीएच लेवल का होता है, और जो एसिड होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है हमेशा। ओके, हाँ। तो जब हमने खाना खाया और एसिड बना, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हमारा स्टमक एसिड कितना स्ट्रांग है उसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि खाना खाने के बाद 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, तो खाना खाने के 5 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट, इस 3 बारी हम टेम्परेचर ले लें, 2-3-4 बारी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स के साथ में, जैसे हमने खाने के साथ में जूस लिया तो हम उसके बाद देखें कि जूस के साथ में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, और कम होता है तो कितना, जो भी वेरिएशन है उसको एक लिख नोट कर लें। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि सपोज लंच में वो खाने के साथ जूस ले रही है तो वो मतलब लंच के बाद 5 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट में हम टेम्परेचर को देखेंगे नॉर्मल थर्मामीटर से। हाँ, नॉर्मल थर्मोमीटर। अगर डिजिटल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो एक्यूरेट आ जाएगा। नहीं, डिजिटल है, डिजिटल, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे स्टमक एसिड कितने बन रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ज्यादातर एक्टिविटी होती है, इम्यूनिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एनर्जी हो गया, मेटाबॉलिक रेट हो गया, ये सारा का सारा चीज डिपेंड करेगा कि आपका स्टमक एसिड कितने स्ट्रांग है। राइट राइट, ठीक है। और दूसरा मेरा मानना यह है कि जो लोग बीमार होते हैं, जैसे इनको कोई कैंसर का प्रॉब्लम था तो या डायबिटिक होते हैं, या ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट डिसीज होती है, या कोई और वीकनेस होती है, उनका जो स्टमक एसिड है बहुत वीक हो जाता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना शुरू होता है उनका। अगर उनको मोशन भी आ रहा है, सब कुछ भी ठीक हो रहा है, तो मैंने अभी इसको 2-4 लोगों पर टेस्ट करने का कोशिश किया है, तो बेसिकली जो लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब आप कितना डिग्री की बात कर रहे हो, मतलब कितना होना? 2 डिग्री, तो मतलब जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर तो ह्यूमन बींग का 97 होता है, जैसे 98.4 टू 98.6 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, 98.4 से लेकर 98.6 तक होता है। 97 नहीं होता है? नहीं, 97 नहीं, नहीं नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 98.426 होता है। Okay. अगर आप थर्मामीटर में भी देखेंगे ना, थर्मामीटर में अगर डिजिटल है तो वो अपने आप से 98.4 या 98.6 दिखाता है, जो लो होने से पहले वो दिखाता है कि इतना नॉर्मल होता है। उसके अलावा उसके अलावा कुछ लोगों का बॉडी टेम्परेचर बिकॉज ऑफ क्रोनिक कंडीशन वैसे ही लो हो सकता है, तो आप 2-3 बारी वैसे भी जैसे खाने से 2-3 घंटे बाद में चेक कर लीजिए कि नॉर्मली उनका कितना टेम्परेचर रहता है। ओके, हेल्दी आदमी का मतलब आप ये कह सकते हैं 95% एंड अबव केसेस में 98.4 एग्जैक्ट मिलेगा आपको, 5 भी नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर किसी का करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमेशा ही 98.4 मिलेगा, बिल्कुल वेरिएशन नहीं होगा खाने के अलावा। अच्छा, ओके। और खाने के टाइम में वो कितना बढ़ेगा?
दैट कैन गो अप टू से 2 डिग्रीज कहें तो 100.4 तक जा सकता है, पर 100.4 उसका जाएगा जो बहुत ज्यादा हेल्दी होगा और बहुत अच्छे से खाएगा। तो अगर आपका 1 डिग्री भी चेंज होता है, 99.5, 99.4, 99 भी टच करता है, और जैसे आपकी मदर का मुझे नहीं लगता है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज भी होता होगा, रादर मुझे उनका तो ये लगता है कि उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता होगा। डिक्रीज क्यों होता है? सफिशियंट स्टमक एसिड नहीं है, एसिड की जगह पानी ज्यादा हो जाता है शरीर में। ओके। और स्टमक एसिड बहुत वीक होते हैं, तो आप उसके कंपैरिजन के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। राइट। तो फिर आप अपना पहले अंडा खाने के बाद। हाँ, और आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कोई और भी हो तो उनका भी चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना राइज होता है, उनका कितना राइज या डिक्रीज होता है। तो अगर डिक्रीज होता है तो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो नेगेटिव साइकिल है, वो धीरे धीरे करके वीकनेस बढ़ेगा। अच्छा, ओके। और उसके अलावा आप खाने में वेरिएशंस लाकर उसको भी देख सकते हैं कि जैसे आपने फ्रूट जूस लिया खाने के साथ में, तो वो राइज हुआ या डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, उसके कंपैरिजन कर करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा खाना ज्यादा रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी टाइप के लिए। ओके ओके, राइट। मतलब और ये कितना ज्यादा वो अच्छा हजम कर सकती है, कितना ज्यादा कर सकते हैं, उनका एसिड बढ़ रहा है। हाँ, और ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है ना, इस एंगल से अभी तक कभी कुछ हुआ नहीं, कोई डाटा नहीं है इसके इस एंगल के ऊपर। अच्छा, ओके। तो मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ डाटा कलेक्ट करने का। मैंने जैसे अपना किया है तो मेरा 1 से लेकर 1.5 तक कई बार इंक्रीज हो जाता है, परंतु मैंने देखा है खाने 1.5। हाँ, अगर मैं खाने के साथ फ्रूट्स ले लेता हूँ तो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ओके। नहीं तो आपका 100 टच करता है। हाँ, 100 तक चला जाता है, तो वो 5-10 मिनट के बाद चला जाता है, मतलब खाना खत्म करने के बाद आफ्टर 5-10 मिनट। ओके, तो वो आप देख सकते हैं कितनी देर बाद होता है, तो उससे आपको ना एक बेसिकली आइडिया लग जाए। बल्कि ये तो हेल्दी लोगों के लिए भी ठीक है कि कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार चेक करते रहना चाहिए, वो आपको ये बताता रहेगा कि आपकी हेल्थ प्लस में जा रही है माइनस में जा रही है। क्योंकि अगर ये प्लस में रहता है तो ठीक है, पर जो लोग वीकनेस या बीमारी की तरफ जाएंगे, जैसे सीजन चेंज हुआ तो कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, खांसी जुकाम होता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उनका प्लस में जाने की जगह, मतलब इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो उससे फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर अच्छे से काम करें, डाटाबेस बनाएं और शेयर करें, जैसे आप मुझे भेजते हैं, मुझे अगर 200-400 लोगों का मिल जाता तो हम ऑलमोस्ट किसी भी बीमारी को कई साल पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो क्रोनिक कंडीशंस होते हैं ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, इन सबको हम बहुत पहले कर सकते हैं कि वो नेगेटिव जा रहा है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होगी कि आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं उनको काम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और लंबे टाइम के लिए नहीं मिल पा रहा है। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात बताइए, आपने बोला था कि वॉक एंड रेस्ट करने से वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, तो वॉक एंड रेस्ट करने से भी ये मतलब एनर्जी वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है क्या? मतलब देखिए, वॉक एंड रेस्ट करने से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी बनाती है, बट वो इतना सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, बट रीएलोकेशन होता है कि मान लीजिए आपके शरीर में 2000 कैलोरीज है, ठीक है, आप वॉक एंड रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स मान लीजिए 1300 कैलोरीज यूज कर रहे हैं, और आप वॉकिंग में या फिजिकल एक्टिविटी में 700 यूज कर रहे हैं। तो अगर आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो होगा क्या कि आपका एनर्जी तो 2000 ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और मे बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो मे बी 1500 वाइटल ऑर्गन्स एंड 500 वो हो जाएगा, और थोड़ा सा इंक्रीज होने का भी है कि मे बी 20-30-40-50 कैलोरी और इंक्रीज भी हो जाए टोटल में, पर जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा वॉक एंड रेस्ट का वो रीडिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा मिलेगा और फिजिकल एक्टिविटी में कम मिलेगा। अच्छा, ओके। तो आप उसमें कई बार थकान भी महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और मुझे और एक चीज बताना था कि एक्चुअली मेरी मम्मी ये लेती थी, टोबैको लेती थी ऑलमोस्ट 30 इयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नियर टू 30 इयर्स। आई मीन शी यूज्ड टू च्यू पान। देखिए, जो के लिए भी तो हाँ, मैं उसके लिए अपना जो ओपिनियन है वो बता देता हूँ। मेरा मानना यह है कि टोबैको से कैंसर इतनी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड नहीं है। जो मार्केट में या जो र्यूमर्स है ना अभी टोबैको के बारे में, वो इसलिए ठीक नहीं लगते क्योंकि मैं सारा का सारा फ्लूइड से कनेक्ट कर रहा हूँ हर चीज को। मेरा मानना यह है कि टोबैको खाने वाले ज्यादा पानी पीते हैं।
अच्छा, एक साइकोलॉजिकल रहता है ना, एक साइकोलॉजिकल रहता है कि हमने तंबाकू खाया है तो गर्म होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए या काउंटर करने के लिए हमें पानी ज्यादा पीना है। ओके राइट। नहीं, उसके साथ ये मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम मतलब हुआ है क्या? क्योंकि उनको मतलब मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट जब से मैंने देखा है 30 साल से ही ये गैस का प्रॉब्लम है, मतलब गैस एसिडिटी ये तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 ईयर से ही उनको ये प्रॉब्लम है। और मैं इसमें अभी इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अभी तो वो रिमिशन में है, मतलब उनका कैंसर ट्रीटमेंट हो गया है और उनका अभी वो मतलब उनके शरीर में कैंसर नहीं है और फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। तो मैं चाहती हूँ कि ये रिकर ना करे, मतलब ये कभी वापस ना आए। देखिए, इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ। देखिए, जो आप इतना अच्छा हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैंसर का अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो कैंसर इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। राइट, ये तो मैंने हर जगह देखा है। हाँ, मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है। अभी इसको आपने पता नहीं कहाँ देखा है, बट मैंने कहीं नहीं देख पाया क्योंकि अभी तक ये मेडिकली एक्सेप्टेड नहीं है कैंसर का। नहीं, ये मैंने कहाँ पे देखा है मैं आपको बता दूँ, ये यूएस की वो कौन से यूनिवर्सिटी का जो एक प्रोफेसर है ना, थॉमस सेफ्रिड, ही हैज रिसेंटली विद इन सम 4-5 ईयर्स आई थिंक ही हैज इन्वेंटेड इन हिज लैब That cancer is a metabolic disease. उनका एक बुक भी है। I have been writing about this cancer is a metabolic syndrome for a much longer period of time now. अब मैं आपको वैसे बताता हूँ उसका बेसिस क्या है। आज की डेट में WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है मेटाबोलिक सिंड्रोम का, इट सेज अगर डायबिटीज है, अगर ब्लड प्रेशर है, अगर हार्ट डिसीज है, ट्राइग्लिसराइड है एंड ओबेसिटी है, इन 5 चीजों में से 3 चीज है तो मेटाबोलिक सिंड्रोम है। अच्छा, ओके। Whereas my definition is different and अगर आप कोरा में देखेंगे तो metabolic syndrome word के ऊपर my definition is adopted. मेरा definition ये है कि अगर आपके vital organs को ठीक से काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो metabolic syndrome है। ओके, ठीक है। अब कैंसर metabolic syndrome कैसे है? आपका किसी को ब्लड शुगर होता है तो उसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, किसी को हार्ट डिसीज होती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ओबेसिटी में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो जितना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला डिसीजेज है उन सब में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो दैट मीन्स देयर इज अ कॉमन कॉज फॉर बोथ ऑफ देम एंड द कॉमन कॉज इज दैट कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही। अगर आपकी मदर का आप ये रिपोर्ट करते हैं कि उनका जितना बर्पिंग पहले था उसका 50% हो गया 1 महीने में, तो इसका मतलब है कम से कम वो पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हैं। वो कम नहीं होगा जब तक पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव का मतलब है कि उनका बॉडी जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं शुरू करेगा या रीएलोकेट नहीं करेगा वाइटल ऑर्गन्स को तब तक वो नहीं होगा। तो अगर वो कम हुआ है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है और वो जब तक साइकिल पॉजिटिव रहेगा, आपका हेल्थ मान लीजिए एकदम लास्ट स्टेज पर है कि मान लीजिए एक आदमी है जिसको कैंसर, मतलब उसका इतना कंडीशन खराब है कि थोड़ा सा 5% चेंज आते भी उसको कैंसर होगा, तो अगर वो उस स्टेटस को मेंटेन भी कर लेता है तो भी नहीं होगा, और अगर उसमें 2-5% इंप्रूवमेंट कर लेता है तो भी नहीं होगा। सो अगर आपकी मदर का जो बर्पिंग है वो कंडीशन 40-50% इंप्रूव हो गया तो इसका मतलब है कैंसर का रिस्क तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके यू शुड लुक एट कि उनका जो बर्पिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो इसका मतलब है कि तो अगर 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो 2-3 महीने में हो जाएगा, बट थोड़ा सा और फ्रूट जूसेस और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है उनको थोड़ा सा और कम कर लीजिए। और इनका जो इनका जो वॉकिंग है ना, जैसे शाम को भी घूमते हैं, अगर शाम को भी घूमते हैं तो 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दीजिए या 2 घंटे से भी कम कर दीजिए। जो टोटल ओवरऑल फिजिकल मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि वही टायरिंग हो जाए और वही नेगेटिव काम करना शुरू कर दे। ओके, अगर आप अगर आप इसको भी एक्सेसिव करेंगे तो वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है उसका भी। हाँ, क्योंकि उनका पैर थोड़ा दर्द करता है कभी कभी, क्योंकि इतना वॉकिंग रेस वो करती है 3 घंटा, उसके बाद वो सुबह योगा करती है ऑलमोस्ट 1 घंटा और उसके बाद शाम को भी चलती है, तो वो एक्सेस में हो रहा है, उसकी वजह से भी इनको बर्पिंग का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर ये इनका इतना सब कुछ है तो इनको ऑलमोस्ट वॉक एंड रेस्ट जो है ना 30-40 मिनट 2 बारी कर लें सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, इससे ज्यादा मत करें।
अच्छा, तो मैं सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, और दोपहर को मैं इनका बंद कर देती हूँ। हाँ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा और रात को आधा घंटा। ओके, ठीक है, तो मैं और यही करती हूँ। हाँ, उसकी जगह योगा को भी थोड़ा सा उनको बोलिए कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें। देखिए, मेरा मानना ये, योगा से 1% भी फायदा नहीं होता, योगा से उतना ही फायदा होता है जो फिजिकल मूवमेंट से होता है। आप चल रहे हैं, आप बेंड कर रहे हैं, आप योगा के नाम पर जो मर्जी करते रहिए, बट अगर आप उतना ही या उससे बहुत माइल्ड भी करेंगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। योगा हैज बीन, देखिए एक ब्रांडिंग होता है ना, दिस इज ब्रांडिंग ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, नहीं, वो कुछ कुछ थायराइड का योगा होता है ना जो, नहीं होता वो कोई भी थायराइड भी है, थायराइड का कोई योगा नहीं होता। थायराइड कुछ देखते हैं नेट में, थायराइड का मतलब ऐसे बेंड करना ये वो, ताकि थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए, तो वो सब ऐसा नहीं होता ना। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने से कुछ नहीं होता। सी व्हाट इज थायराइड, थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। राइट राइट, आपके वाइट वीडियो में देखा। हाँ, आपके वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी चाहिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम है। ओके, जब वो पूरा एनर्जी नहीं होता तो TSH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। बेसिकली आपका T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं, तो TSH इंक्रीज होकर T3 और T4 को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। ओके, T3 T4 का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन रिलीज करने का होता है और वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो अगर आपका T3 T4 कम हो रहा है तो आपका उसका मेटाबॉलिक रेट गिरेगा। ओके, ठीक है। तो TSH बढ़कर क्या करता है, T3 T4 को बढ़ाता है। ओके, फाइन। और T3 T4 बढ़ने से आपका बॉडी फिर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ओके, बट दिस इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल या इस तरीके से कह लीजिए, इस तरीके से अगर आप इसको बार बार यूज करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अगर आप मेडिसिन खाकर या किसी भी तरीके से इसको लोअर करते हैं तो देयर इज नो पॉइंट। अगर आप योगा कर रहे हैं, इसको कैसे कम कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन ही तो प्रोड्यूस करना है। आप योगा करेंगे या कुछ भी करेंगे वो तो पूरे बॉडी का है ना। आप मान लीजिए वॉकिंग भी कर रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी एनर्जी मतलब ऑक्सीजन सप्लाई तो बेटर हो ही रहा है ना। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड तो गले के बीच में होता है, उसको तो आप किसी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। राइट, वो आपका फिजिकल मूवमेंट से ही होगा जो होगा, और वो भी अगर रीजनेबल अगर आप ओवर करेंगे तो नुकसान होगा। अगर आप तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको वॉक इन रेस जो वो कर रहे तीनों टाइम 1 घंटा 1 घंटा करके, वो मैं कंटिन्यू रखने बोलती हूँ, और योगा को मैं फुल अभी के लिए बंद कर देती हूँ, अभी 1 मंथ के लिए, ताकि यही सब देखने के लिए। तो ये तो कर सकते हैं, राइट? तो हाँ, ये कर सकते हैं, बंद कर देते। हाँ, और इवनिंग को भी चलना उनको उनका बंद कर देती हूँ, मतलब बोलती हूँ कि ऐसे ही नॉर्मली घर में चलो, बट ऐसे डेडिकेटेडली मत चलो जैसे वो अभी चलती है। हाँ, उससे भी आपको, उससे भी बहुत जल्दी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वो एक्सेस होने की वजह से दिक्कत होती है। वो बोलती है कि उनको पैर में भी अभी दर्द। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देयर इज अ पेशेंट 69 ईयर ओल्ड, उनको लीवर का इशू हुआ, एसाइटिस, विच इज फेटल कंडीशन। राइट राइट, आपने बोला था। हाँ, तो उनका जब चेंज किया ना, तो मतलब 1 महीने क्या, तो मतलब क्या चेंज किया, फ्लूइड और वॉकिंग का, वो पांच मतलब ही वाज वेरी हेल्दी पर्सन अदरवाइज, तो वो 5-7 किलोमीटर डेली चलते थे। ओके, और उनका वाटर इंटेक भी 6-7 लीटर रोज का था। ओके, तो पानी का इंटेक कम करने से और वॉकिंग बंद करने से, वॉकिंग बंद करके जो 7-8 किलोमीटर चलते थे या 5-7 किलोमीटर चलते थे, वो कम करके सिर्फ घर के अंदर चलने का वॉक एंड रेस शुरू कर दिया, तो 1 महीने में उनका वो ठीक हो गया। राइट राइट राइट, अभी ही वेंट बैक टू हिज विलेज, ही बिलोंग्स टू सम मे बी विलेज और सम स्मॉल सिटी। तो पहले वो अपने लाइक ही वाज स्टेइंग मे बी विद हिज सन, जब उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो वहां जाने के बाद अगेन ही स्टार्टेड दैट वॉक एंड रेस्ट, एंड थोड़ा सा फ्लूइड इंटेक भी बढ़ा दिया। तो उसके बाद में वो दोबारा से इशू हो गया, इशू नहीं हुआ बट सिम्टम्स आना शुरू हो गया, कि मतलब ही स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। इरिटेशन इज ऑलवेज ए सिम्टम कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रहा है, थकान जो होती है ना उससे इरिटेशन, मतलब जो लोग थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर के होते हैं वो इरिटेटेड फील होकर दूसरों को कुछ बोलना शुरू करते हैं। राइट राइट, तो दैट इज एन इंडिकेशन। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बैलेंस। कुछ नहीं, मतलब मेरा जो 2-3 महीने बात हुआ था ना, तो इसे की मदर का उनको फीडबैक मिला था कि इस तरीके से वो थोड़ा सा इरिटेटेड बिहेव करने लगे हैं,
यू आर सेइंग कि वो फिर मैं दोबारा से उनसे बात करता हूँ, लेट मी आस्क हिम कि वो थोड़ा सा कम करें उसका जो घूमना होता है. तो बेसिकली व्हाट आई वाज सजेस्टिंग इज कि वो एक कंपनी होती है ना ओल्ड एज में, वो लोग रोक नहीं पाते अपने आप को कि आपको घूमना है, लोगों से मिलना है, बात करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि वो जो घूमने जाते हैं उनको बोलो कि हर 5-10 मिनट के बाद बेंच वगैरह होते हैं कहीं पर, वहां पर बैठ के रेस्ट कर लें. तो वो करके उनका फिर से कम हुआ मतलब? नहीं, वो फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई. अच्छा, ओके. बट एनीवे वो डिसीज कंडीशन में नहीं था, इट वाज ओनली एक्सटर्नल सिम्टम्स, इससे पता लगता है कि वो थकान हो रहे हैं या पॉजिटिव नहीं चल रहा. तो बेसिकली यहाँ पर भी आपकी मदर को जैसे शी एंजॉयज गोइंग आउट फॉर वॉक, तो उनको बोलिए कि बीच बीच में रेस्ट करते रहे, तो वो एक वॉक एंड रेस्ट वहां पर हो जाएगा. क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो मना करेंगे तो पर्सन स्टार्ट फीलिंग मोर इरिटेटेड एंड उसको फिर वो अच्छा नहीं लगता ना. हाँ, लेकिन अपने योगा तो बंद कर सकती है मतलब? नो, वो कर सकते हैं बिकॉज वो तो एक अकेले रह के ही करते हैं ना. बट जो घूमने का है जो कंपनी में करते हैं, कंपनी इज ऑलवेज गुड. राइट, और सूर्य प्रणाम करती है तो ये सब तो बहुत टफ होता है. हाँ, वो सब बंद कर सकते हैं, उसकी जगह में वॉक एंड रेस्ट करें. और सबसे बढ़िया होता है कि वो जो लाइक आगे बेंड करके जमीन को छूते हैं ना, सूर्य नमस्कार पूरा नहीं करें, हल्का सा बस जहां तक कंफर्टेबली होता है उतना करें, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच करके मसल्स को ब्रेक नहीं करें. अच्छा, ओके, ठीक है. तो ये ठीक है, तो मैं ये उनको सजेस्ट करती हूँ. ठीक है. और आपने जैसे पानी का इंटेक बोला, वही मंडे टू वेडनेसडे 3 glasses एंड थर्सडे 1.2 liter, अगेन फ्राइडे सैटरडे 3 glasses, अगेन संडे 3 glasses. ये मैं उनको, और फिलहाल के लिए जूस भी मैं उनको बंद करने के लिए बोलूँ क्या? क्योंकि जूस पीते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ 7 दिन मत लें, 2-3 दिन 4 दिन लेना चाहते हैं ले लें, और 1 glass पानी की जगह ले लें, मतलब खाने के साथ ही ले लें. मतलब जूस को भी खाने के साथ ही? खाने के साथ ले लें, खाने के बाद भी लेना चाहते हैं तो खाने के बाद भी 1-2 घंटे बाद ले लें. पर खाने के साथ जैसे उनको मालूम है आज लेना है, तो मान लीजिए थर्सडे है तो थर्सडे को उनको डबल लेना है, तो वो जो डबल वाला है जब उनको 1.25 के करीब लेना है तो उसमें एडजस्ट कर लें. ओके, ठीक है. और एक बात की मतलब आपको क्या लगता है ये इनका जो भी बर्पिंग है ये कम होगा क्या मतलब? हाँ, मेरे ख्याल है कि आप ये जैसे आप कह रहे हैं ना 1 महीने तक एक्सरसाइज रूटीन वगैरह को और फ्लूइड को थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, मोस्ट लाइकली मुझे लगता है 8-10 दिन में हो जाएगा बंद. ओके, एक्चुअली अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब लास्ट टाइम डॉक्टर को बोले थे 2-3 weeks back, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एंडोस्कोपी करना है, उनको एंडोस्कोपी कराएंगे. मतलब 2-3 डॉक्टर के पास गए, सब एंडोस्कोपी कराने बोलते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी कराना का मन नहीं है क्योंकि वो फिर वही पाइप वाइप घुसा के मतलब, और उससे कुछ फर्क भी होगा कि नहीं पता नहीं, और फिर मेडिसिन दे देंगे. तो मुझे भी समझ में नहीं आता, मुझे भी उसका समझ नहीं आता, मैं उसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा. एंडोस्कोपी से क्या होगा, वो तो बायोप्सी के बिना तो पता नहीं चलता ना, ये चलता है कुछ? नहीं नहीं, मतलब मैं गैस ये इनका बर्पिंग के लिए बोल रही हूँ. ओ नहीं नहीं, उसका छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है. एंडोस्कोपी तो अच्छा, वो कोलोनोस्कोपी होता है, बर्पिंग नहीं नहीं, बर्पिंग के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको. आप ये एंडोस्कोपी करने के लिए? नहीं नहीं, उसके लिए करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि वो इम्प्रूव हो रहा है, और दूसरा आप थर्मामीटर से करेंगे तो उससे आपको बेटर कंडीशन पता चल जाएगी आपका. वो चालने से तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, वो तो कंडीशन ही बताएगा कि ये कंडीशन है. और उसके बाद जो मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन और कंडीशन को खराब ही करेगा, वो एसिड को कम करने की कोशिश करेंगे मेडिसिन से, जबकि हमारा एफर्ट है कि एसिड बढ़े ताकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो. राइट राइट, इसलिए मेडिसिन देने का कोई मन ही नहीं है मुझे, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप इसको सीरियसली करो, ये जो है ना टेम्परेचर को मेजर करने का, इसको थोड़ा दिन सीरियसली करो एक हफ्ते के लिए, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा. ठीक है, मतलब ठीक है, मैं सपोज मान लीजिए मैं टेम्परेचर को मेजर करती हूँ, और मेजर करने के बाद सपोज मैंने 3-4 दिन मेजर किया, मतलब तीनों टाइम या कोई एक टाइम मैं मेजर करती हूँ, लंच टाइम में मेजर करके वो 5 मिनट 15 मिनट 25 मिनट मैं ये डेटा आपको दूंगी, फिर इससे क्या पता चलेगा, मतलब इससे हमको क्या, हम क्या इस पे काम करेंगे? बेसिकली साथ में ये भी लिख लीजिए खाया क्या है. ओके, खाया क्या है, ओके, उस हिसाब से मतलब डाइट को थोड़ा चेंज इधर उधर करेंगे ताकि. हाँ, वो भी कर सकते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा ना कि ये वाला डाइट खाने से स्टमक एसिड इतना कम होता है. ओके, उसमें क्वांटिटी का भी थोड़ा सा रखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना स्टमक एसिड ज्यादा बनेंगे. ओके ओके, राइट, कुड बी
अब करिए एक दो बार करिए, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर थोड़ा सा उसको भी चेंज कर लेंगे उसको, अब बताइए दो तीन दिन करके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आई विल गेट बैक टू यू, थैंक यू वेरी मच, बाय।